कालिया नागर विष दिने कालिया नामक गोटे विशाल महाकाय नाग जमुना नदी भितरकु पशि आसे। आसवा क्षणी पानी रे तार विष उद्गारी दिए। पानी रो समस्त जीव छटपट होई मरिबा को लागंती। एई कथा गाँर जणे गाईयाळ देखिनिए आउ से ता गाई को पानी रु बाहर को आनी दौड़ी दौड़ी नंद बाबू को पाख को जाए आउ कहे, नंद बाबा बड़ अनिष्ट हो जाइछि। आम जमुना नई को गोटे विशाल महाकाय जीव आसी जाइछि जहा बड़ साप भली देखा जाउछि। जमुना नईर पानी रे तो विष गोळेई देइछि छे। मो गाई मानकु बचाओ बाबा, मो पाखरे आउ किछि नाही कमेबार सुविधा नाही। जदि गाई मानकु किछि हेगला ताहले मु निजरो परिवारर निर्वाह केमिति करबी। अरे ये तो बड़ चिंतार विषय। सबु गाँव वालों को सूचाइ दियो कि केही भी लोक जमुना नईर पानी न पियु। सबु गाँव वालों को कहि दियो कि तांको पशु और छुआ पिलांकु पानी ठुर दूरे रखिबे। बुढ़ा मानकु भी दूरे रखिबे पई कुहा जाउ। केही भी नदी पाखकु जीव नाही। से पर्यंत एही समस्यार समाधान मु बाहर करुछि। जमुना नई पाखकु केही जीवेनि। एटा आम वृंदावनर सबु पशु प्राणी मानव जीवनर प्रश्न। आमको गाँवकु बंचेबाकु पड़िब। सेवक शीघ्र जाई एही संपूर्ण सूचना सबु गाँवरे जणाइ दियो। नंद बाबूंक सेवक सबु गाँवकु जाई गाँ बालंकु डाकि एही सूचना समस्तंकु दिए। बालक कृष्ण भी एही सूचनाकु शुणंती आउ तांकु जणा पड़ि जाय कि निश्चय एहा काहार चाल। केही तो वृंदावनवासीक जीवनरे संकट आणुछि। तेणु जाणीशुणी से तांक सांगमानंकु कहंती, अरे मधु चालो आजि गुलीबाड़ी खेल खेलिबा। जमुना कूळरे बहुत मजा लागिब। हाँ हाँ काहीकि नुहे, आम समस्त सांगरे जीबा आउ सेठी गुलीबाड़ी खेल खेलिबा। किंतु प्रथम पाड़ी मु खेलिबी। गुलीबाड़ी रे सबुठु आगो मु ही खेलिबी। कृष्ण आज तो मु मन भरी बाहरी बाकु जाऊ छी। मु तुम सहित गुली बाड़ी तो खेलिबी। किंतु मोर शर्त अछि, मु ए खेल पर मन भरते बाहरी बाकु जाऊ छी जमुना पानी रे। यदि हाँ कहिबो ताहेले मु तुम सांगरे आसीबी। हाँ बाबा हाँ, मु सबु सांगंक शर्त मानु छी। आग चालुन सेठी कि आमको गुली बाड़ी खेलिबारे डेरी हेउ छी। रही जा कृष्ण, तोते सूचना मिलनी कि नई को गोटे विशाल जीव आसी जा आसवा क्षणी पानी रे ता विष गोले दी। जमुना नदी कूल को जीवा जमा विपद मुक्त नुहे कानु। नंद बाबा आम उपर रागिबे, आमको जीवा कथा नुहे सेठिकी। कृष्ण मधुआड़ को ठार दे कहती, कौन सूचना? मु तो एमिती कौनसी सूचना पाइनी। मधु कौन तू एमिती सूचना पाइछु? कृष्ण जाणीशुणी सूचना पाई नथिबार बाहाना करती आउ बलराम को भी जमुना कूल को जीवापी मनई नियंती। सबु सांग मिसी जमुना कूल को जाती। गुलीबाड़ी खेल आरंभ हुए। कृष्णक जणे सांग तांको बाड़ी रे गुली को मारे। तापरे कृष्णक पाली आसे। देखिबो सबुठु दूर को मो गुली ही जीव। एते जोर रे गुली को मारिबी। कृष्ण बाड़ी हाथ रे नेई जाणीशुणी जोर रे गुली को मारंती। जेमिति गुली जाईकी जमुना पानी रे पड़ू। आउ सेया ही हुए। गुली जाई जमुना पानी रे ही पड़े। ये कौन कृष्ण, तू तो गुली को हजेई देलु। एथर आमे केमिति खेलिबा? गुली तो पानी रे हजि गला। एथर तते ताकु खोजि के आनिबा को पड़िबो। जा जमुना पानी भीतर को आउ गोली को खोजि के आने। ना ना ता विपद मुक्त नुहे। कृष्ण तू पानी भीतर को जिबुनी, बरंग आमे खेलिबानी। नंद बाबा मना करिसंती जमुना कूल को केही भी जिबनी। बलराम भाई तुमे अजथारे चिंता करूछ। देखुनो जमुना रो पानी केते सफा अछि, किछि भी तो नाही। मु जाउछि आउ जाइके गुली नै के आसुछि। तुमे चिंता करोनी भाई। श्री कृष्ण मने मने कुहंती, एई सुजकर मते अपेक्षा थिला। जदि मु सीधा सीधा पानी को जिबा कथा कहि थांती ताहेले समस्ते मते अटकै दे थांते आउ कालियार सामना मु करि पारि न थांती। एथर जाई पानी रे मु कालिया सहित लडीबी आउ ताकु एइथु तडी देबी। तेणु करी मु गुली जोरे पानी को मारिछि। बलराम भाई मते क्षमा करि दबो, मु बाबांको आदेश को पालन न करी पानी को जाउछि। एमिति कहि कृष्ण पानी भितर को पसि जांती।
गुली तो कोठी देखा जाऊनी, गुली तो मोर बहाना थिला, मते तो कालिया नाग को खोजिबार अछि, कालिया कोठी अछ तुमे, साहस थिले मो सामना रे आसो। कृष्ण एमिति कहिबा क्षणी कालिया नाग पछरु जोरे ता विषकु उद्गार करि दिए। नदी बाहर थिबा सांग माने या देखि डरी जांती, पानी पूर्ण थरे कोला हे जाए बोली से माने पार्टी करंती। कृष्ण कृष्ण सबु बालक गां बालंग पाखकु जांती आ कृष्ण को बंचेबा पई प्रार्थना करंती। अच्छा ताहेले तुमे हेउछ कालिया नाग, तुमे एथि जमुना नई रे कोन करछ? मु तुमको आदेश दउछि कि नई छाडी सांगे सांगे एथु चली जाओ। तू एते छोटो छुआ आ मते जीवा पई कहउछु, तू जानि पारुनु तू तो मृत्यु को डाकिछु, मोर विष एते प्रबल कि ताहा तोते एही पानी भितरे निशेष करि देबो। मु तुमरे धमकरे डरि बिनी, चाहिले युद्ध करि कि देखो। कालिया नाग पूर्णि थरे जोरे तार फणा विस्तार करे आ कृष्ण तार विषर प्रहाररु बंची जांती। कालिया कृष्ण को गोड़ेबाकु लागे आ कृष्ण ता आगे आगे पहरी चली जांती। कृष्ण को कालिया धरि पारेनी, एहा देखि कालियार क्रोध बढ़ी जाए, से आखि मिटिकारे कृष्ण को काबू करी पकाए आ कृष्ण को तालांजरे घेरी पकाई बांधी दिए आ फणा उठाई ठिया होई जाए। देखिलु मु कहिथिली ना, तू साधारण बालको मो प्रहाररु बंची पारिबोनी, एथरो तते के बंचाइबो? से पर्यंत सबु गाँव बाला नंद बाबा और जशोदा माँ जमुना कूल पहुँची जाती। समस्ते कृष्ण नारे पार्टी करती, मो कृष्ण को बचाओ, मो कृष्ण को बचाओ, से विशाल महाकाय नाग मो कृष्ण को मारी दब। मु समस्त को कही थी ना कि केही भी बड़ लोक बा छुआ जमुना नई कूल को जमा जीवेनी, कृष्ण पानी को गोला केमिती? बाबा आमी तो गुलीबाड़ी खेलिबाकु आसीथिलु आ कृष्ण गुली को पानी आड़ को फेंगिला, तापरे से नई को डेई पड़िला, गुली बाहर करिबा पई कृष्ण पानी को पसी जाईथिला, आमे केमिती जानिबु एथरे विशाल नाग अछि, एथरो कृष्णर कोन हेबो? एपटे कृष्ण पूरा बल प्रयोग करी कालियार फासरु बाहरिबाकु चली आसंती। कालिया नाग पूर्णि थरे कृष्ण उपरे जोरे विष उद्गार करे, पूर्णि कृष्ण कालिया पछरु आसी ता मुंडो उपरे नाचिबाकु लागंती, से जेते जोरे नाचंती सेते विष कालियार बाहर करे। एई दृश्य देखि समस्त वृंदावनवासी आचंबित होई जांती, कृष्ण एते छोटो छुआटे आउ एडे विशाल महाकाय नागकु सामना करुछंती। देखु देखु कालिया नागर सबु विष शेष होई जाए आउ ता शरीर हालिया होई जाए, ता शरीर शक्तिहीन होई जाए, से थकी जाए। कृष्ण ताकु जेतेबेले मारिबा पई बाहरंती सेतेबेले तार उभय स्त्री नागर उपरे आसी कृष्ण को कहंती, हे भगवान तांकु क्षमा करि दियंतु, तांको उपरे दया करंतु, तांकु तांको विषर अभिमान हे जाईथिला आउ तांको उपरे गरुडंक पहरा थिला, से जे कोनोसी मुहूर्तरे तांको मारि देथांते, तेणु करि तांको जमुना नईर सहारा नेबाकु पड़िला, निज अहंकार रे अंध हेई सारिथिले, किंतु एबे तांको आखि खोली जाईछि। कालिया मु तुमको क्षमा करि देबी, किंतु तुमको मते कथा देबाकु पड़िबो कि आज ही जमुना नई को छाड़ी बड़ विशाल महासागर भितर को चली जीव, एई जागा तुमरे रहिबा पई नुहे, एहा पशु पक्षी प्राणी को पाई अटे, वृंदावनवासी को पाई अटे, वृंदावनवासी को पाई तुमरो एठी रहिबा उचित नुहे, एहा मोरो आदेश कि तुमे ए नई छाड़ी महासागर को चली जाओ। भगवान आम सागर को तो चली जीवु, किंतु से गरुड़ हाथ रु आमको किए बचाइब, से विशाल महासागर रे तांकर रक्षा किए करिब, तांकर तो विश्व विशेष हो सारिलाणी, से निजर रक्षा केमिति करिवे? तार चिंता तुमे करनी, जेबे जेबे गरुड़ तांको उपरे आक्रमण करिबा को आसीबो, तांको मुंडरे मोर पाद चिन्ह देखि पछको हटि जीवो, से केबे भी तांको उपरे आक्रमण करि पारिबनी जे पर्यंत मो पाद चिन्ह तांको मुंड उपरे अछि। कृष्ण एमिति कहिबा क्षणी विशाल महाका कालिया नाग आउ तार उभय स्त्री जमुना नदी को छाड़ी विशाल महासागर को चली जांती।
ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରନ୍ତି। ଯମୁନାର ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ କି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ବାସ କରନ୍ତି ସେଇଠି ଶୈତାନର ବାସ କେବେ ହୋଇପାରେ ନା।